ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं वैशाली। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना क्षेत्र रजबपुर में हार्श फायरिंग के दौरान एक घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को CHC गजरौला में कराया भर्ती और अग्रिम कार्रवाई में जुटी। आपको बता दें, हार्श फायरिंग का मामला दरअसल शादी समारोह का है, जहां पर किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में आमने सामने से फायरिंग हो गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। घटना रजबपुर थाना क्षेत्र के गाँव अफजलपुर लूट की है। गाँव में उस समय अफरा तफरी मच गई जिस समय दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि आदमपुर थाना क्षेत्र के चंदन कोटा गांव निवासी अशोक के पुत्र रवि की रविवार की रात रजबपुर थाना क्षेत्र के अफजलपुर लूट गांव में प्रीतम की बेटी के यहां बारात आई थी। बारात के दौरान नशे में धुत एक व्यक्ति ने हार्श फायरिंग कर दी, जिससे चंदनपुर कोटा गांव के अवधेश को गोली लगने से वो घायल हो गया। घटना से शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को CHC में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। गजरौला प्रभारी निरीक्षक जयवीर सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से कविंदर सिंह की रिपोर्ट। गोली लगा हुआ केस आया, इसके बारे में बताइए। इसको रजबपुर पुलिस द्वारा यहाँ पर लाया गया है, इसको प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और इसलिए अभी गोली लगी हुई है इसके टांग में। गोली लगी। आपने देखा, इसमें क्या लगा? इसमें अभी एक्सरे के लिए एडवाइस किया है।